आज उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी बहुत चिंतन का विषय है। फौज के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और ये बात सही है कि सिर्फ नौकरी के लोग फौज में नहीं जाते हैं, गांव में जो लड़के लड़कियां देश सेवा करना चाहते हैं, फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, वो सिर्फ भत्ते के लिए पेंशन के लिए फौज में नहीं जाते हैं। उनके लिए वो अवसर रोक देना, आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं, आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जो 8000 करोड़ रुपए के 2 जहाज लिए हैं उनको मत लेते, हमारी बगल में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है 1000 करोड़ रुपए का उसको ना बनाते, जो फिजूल खर्ची सरकार करती है उस पर पाबंदी अगर आप लगा लेते तो हो सकता है कि भारत का जो पेंशन का बिल है वो कुछ कम हो जाता। लेकिन आज लोगों के अरमानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आज ग्रामीण परिपेक्ष में पल रहे बच्चे नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा तो पूरा गांव पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम ये सरकार ने किया है, इसीलिए आज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सरकार बोलती है किसानों को आंदोलित विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार कह रहे थे भाजपा ने आज सुबह आरोप लगाया है कि देश का नौजवान जो आंदोलन कर रहा है उसको कांग्रेस उसको भड़का रही है। मैंने पहली सरकार देखी है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। ये काम विपक्ष का होता है कि सत्ता पे आरोप लगाए, लेकिन बिना सोचे समझे किसानों के साथ नौजवानों के साथ जो रवैया सरकार ने अख्तियार किया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और साथियों, जो कानून बनाने के बाद अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। क्योंकि ये थोपने का जो एक इतिहास है, चाहे नोटबंदी का हो चाहे GST का हो, सब थोप दो, लोगों को भ्रमित रखो, लोगों को उबाल पे रखो, टकराव पैदा कर दो, जाति में बिरादरी में धर्म में लोगों में असमंजस फैलता रहे। लेकिन आज नौजवानों के साथ हमारा दल खड़ा है, हम सब खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार झक मार के इनको 1 साल के बाद तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ऐसे ही अग्नि पथ का जो उन्होंने नया रिक्रूटमेंट का जो योजना बनाई है इसको वापस लेना पड़ेगा। और फौज में जो नौजवान हमारे साथी सरहद पर खड़े हैं वो गोली खाते हैं देश के लिए और अपने साथी के लिए। अगर मुझे नौकरी 2.5 साल करनी है तो आपस में पलटन में यूनिट में बटालियन में जो एकजुटता होती है, जो भाव पैदा होता है, वो जज्बात पैदा होते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। और जो लोग इस स्कीम के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल कर्नल जो भाषण टेलीविजन पर आकर देते हैं, मैं उनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने 40 साल नौकरी कर ली, लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं और अब आप ज्ञान दे रहे हैं उस बच्चे को जिसने 2.5 साल मेहनत करी है, 2 साल से आपने भर्तियां नहीं रखी। और ठीक कहा प्रियंका जी ने, जो पहल करी थी हम सबने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी, 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सिर्फ भ्रमित कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा आने वाले समय में। अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापिस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस बीजेपी सत्ता विपक्ष, ये बात की बात है, हमारी सेना हमारे सैनिक ये सबसे ऊपर हैं, इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं देशवासियों से, एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद।